एपिसोड 7 की शुरुआत भई से होती है जहाँ खत्म हुआ था। दोही और गोमियों का पीछा करते हुए एक प्राइवेट लॉकर तक पहुंच जाते हैं जहाँ वो दोनों तो एक लॉकर के सामने एक फोटो बूथ के अंदर होते हैं। मियोंग लॉकर खोलता है जिसमें उसे कुछ भी नहीं मिलता, जिससे वो गुस्से में बंद करके पीछे मुड़ता है। दोही और गोम जल्दी सेट हो जाता है, इसीलिए वो उस फोटो बूथ की ओर बढ़ता है। इधर दोही गोम को अपना हाथ देती है यहाँ से टेलीपोर्ट होने के लिए, तो गुओंग उसका हाथ होल्ड करता है पावर्स यूज करने के लिए, पर उसकी पावर्स तो अभी काम ही नहीं कर रही होती, जिससे गुओंग को हैरानी हुई। अब दोनों ही बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए क्योंकि मियोंग तो बाहर आ चुका था और वो पर्दे को हटाने ही जा रहा था, पर उससे पहले ही गुओंग दोही को किस कर लेता है। तभी मियोंग भी पर्दे को हटाता है पर वो इन दोनों का चेहरा नहीं देख पाता, इसीलिए यहाँ से चला जाता है। अब इसी दौरान उनकी ऑटोमेटिक पिक्चर्स भी क्लिक हो जाती है। अब दोही तो इससे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह गई थी। थोड़ी देर में गुआन पीछे आ जाता है। अब दोनों के बीच में थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। वही गुआन दोही को एक्सप्लेनेशन देता कि वो मैंने ये हम दोनों के फेस को कवर करने के लिए किया था ताकि वो मियोंग हमें पहचान ना ले। इससे दोही तो शर्मा जाती है और फिर कहती है अच्छा क्या तुम, देन पूछती है आखिर तुम्हारी पावर्स काम क्यों नहीं किया। गुआन भी इसी बारे में सोचने लग जाता है। तभी दोही को याद आता है कि हमें तो मियोंग का पीछा करना, इसीलिए दोनों चुपकी से बाहर लेकिन वो तो बाहर था ही नहीं। दोनों बाहर निकलकर आसपास देखने लग जाते हैं पर वो इधर दिखाई नहीं देता, तो दोही उस लॉकर की ओर जाती है जहाँ मियोंग गया था। तभी गुआन फोटो बूथ से अपनी और दोही की फोटोज निकाल लेता है, जहाँ गुआन तो उनकी किस वाली फोटो देखकर खुद ही शर्मा जाता है। वो इन फोटो को अपने पास रख लेता है ये कहते हुए कि ये फोटो उस मियोंग के हाथ नहीं लगना चाहिए, इसीलिए मैं ही इस फोटो को अपने पास रख देती हूँ। ये कहकर वो दोही के पास जाता है जहाँ दोही उस लॉकर को खोलती है जिसे मियोंग ने लॉक नहीं किया, पर अंदर कुछ भी नहीं देखकर दोही कहती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या ढूंढने आया हो। तभी उनके पीछे बड़ी भिखारी लेडी आ जाती है जो इनसे पूछती है तुम दोनों क्या ढूंढ रहे हो। दोही तो अचानक उसे देखकर घबरा जाती है, तो गुआन दोही को कवर करते हुए कहता है कि तुम तो बड़ी पुलिस स्टेशन वाली लेडी हो, तो वो लेडी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या ढूंढने आई हो मुझे बताओ, मुझे यहाँ का हर चीज़ के बारे में सब कुछ पता है। तो दोही पूछती है तुम आखिर हो कौन। लेडी पूछती है कि मुझे देखकर क्या लग रहा है। गुआन कहता है कि भिखारी, तो वो लेडी कहती है बिंगो सही कहा तुमने। देन वो अपना बैंक अकाउंट नंबर दिखाकर कहती है कि मैं ऑनलाइन भी पैसा एक्सेप्ट करती हूँ। तो गुआन उससे चिढ़ते हुए कहता है कि तुम अचानक से यहाँ पर कहाँ से टपक पड़ी। लेडी कहती है मैं यहाँ पर कहीं से टपकी नहीं हूँ, बल्कि तुमने मुझे नोटिस ही नहीं किया और वैसे ये मेरा एरिया है, तुम दोनों यहाँ पर टपके हो। ये बोलकर वो साइड में उन्हें अपना अड्डा दिखाने लग जाती है। गुआन कहता है तुम्हारी बकवास सुनने का हमारे पास टाइम नहीं है। ये कहकर वो दोही को लेकर जाने लगता है। तो ये लेडी गुआन के पावर्स को इंडिकेट करते हुए कहती है फ्लिकर कर रहा है ना, और जो फ्लिकर करता है उसे कभी ना कभी ख़त्म होना ही है। जो सुन दोही उससे पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। गुआन उसे पागल कहकर दोही को लेकर चला जाता है। तो दोही सबवे से बाहर आकर मियोंग को ढूंढने लगती है, पर उसे मियोंग की कार दिखाई नहीं देती, इसलिए वो गुआन से कहती है हमें उसे ढूंढने जाना चाहिए। तभी गुआन पास में पड़ा एक फूल का पौधा उठा लेता है और दोही को अपने हाथ देने के लिए पावर्स टाई करने के लिए गुआन दोही का हाथ होल्ड करता है, तो उसकी पावर्स काम कर जाती है और उस फूल से गुलाब खिल जाता है। जो देख गुआन की मेरी पावर्स तो सीधे चल रही है तो फिर अंदर काम क्यों नहीं किया। दोही कहती है ये सब छोड़ो, अभी हमें मियोंग का पीछा करना चाहिए। तो गुआन फूल को नीचे रख देता है जो कि मुरझा जाता है। इसके बाद टेलीपोर्ट होकर वो दोनों मियोंग के घर के पास पहुंच जाते हैं। दूर से छुपकर वो दोनों मियोंग पर नज़र रख रहे थे। मियोंग की कार
को आते हुए देखकर गुवान कहता है कि क्या हमें अंदर जाना चाहिए। तो ये सुनकर रिप्लाई देने के लिए पीछे मुड़ती है। गुवान को अपने इतने करीब देखकर उनके किस के बारे में याद आ जाता है, इसलिए गुवान की आंखों में देखकर वो तो थोड़ी नर्वस हो जाती है और कहती है कि आज के लिए उसका पीछा करना बहुत हो गया, इसलिए अभी हमें जाना चाहिए। ये कहकर दोनों चले जाते हैं। मियांग घर के अंदर आता है जहां उसकी मॉम तो मेडिटेशन कर रही थी, जहां मियांग के आने पर वो उससे बात करने के लिए बुलाती है, जहां उससे पूछती है कि तुम अपने साइकेट्रिस्ट के पास थेरेपी के लिए जा रहे हो। मियांग कहता है कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। मॉम पूछती है, तुम्हारे डैड मुझसे पूछ रहे थे तुम्हारे बारे में कि तुम क्या कर रहे हो। मियांग पूछता है, फिर आपने क्या कहा। मॉम बताती है कि मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। मियांग कहता है कि ऐसे ही उन्हें कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। मॉम उससे कुछ पूछने जाती है, पर उससे पहले मियांग कहता है, मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगा, इसलिए आपको मेरे लिए किसी भी अपॉइंटमेंट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर चला जाता है। इधर गुवान और दोही घर पे लौट आते हैं, जहाँ गुवान दोही का हाथ होल्ड करके पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी पावर ने अचानक से काम करना बंद क्यों कर दिया था। ये सोचते हुए वो तो एक पेपर रॉकेट को अपने चारों ओर घुमा रहा था, जिसे काफ़ी देर से देखते हुए दोही का तो सर ही दर्द करने लग जाता है, इसीलिए वो तो अपना हाथ छुड़ा लेता। तभी गुवान को क्लिक होता है एंड कहता है कि उस दिन भी यही हुआ था ना, जब मैंने अपनी पावर्स खोई थी और मेरा टैटू तुम्हारे हाथ में ट्रांसफ़र हुआ था। उस रात कार भी मुझे हिट करने वाली ही थी, तब मैंने तुम्हारे हाथ पकड़ा हुआ था और तभी मेरे पावर्स काम करना बंद कर गए थे। फिर हम उस पानी में गिरे और मेरा टैटू तुम्हारे हाथ में ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि सारी प्रॉब्लम्स की जड़ तुम हो। तुम सामने से दोही भी कहती है, ओ हेलो मिस्टर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम खुद हो, इसलिए मुझे ब्लेम मत करो। गुवान कहता है, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ कि तुमसे मिलने से पहले ना ही मेरे पावर्स कभी ऐसे कम करना बंद और ना ही मेरा टैटू कभी किसी इंसान पर ट्रांसफ़र हुआ। दोही कहती है कि तुम्हारी बातों से तो साफ तुम मुझे ही ब्लेम कर रहे हो, कार से हिट करने से लेकर ये टैटू ट्रांसफ़र होने तक, और अब तुम्हारे पावर्स ठीक से काम नहीं कर रहे, वो उसके लिए भी तुम मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। गुवान कहता है, मेरे कहने का मतलब था कि अगर इमरजेंसी वाला सिचुएशन में फिर से मेरे पावर काम नहीं करे, इस बार तो कुछ भी बड़ा ब्लेंडर होने से बच गए, पर अगली बार कुछ भी हो सकता है। दोही पूछती है, अगर तुम्हें वो इतना ही ज़्यादा ब्लेंडर लगा तो तुमने मुझे किस क्यों किया, तुम्हें लगा कि मैंने इंजॉय किया। गुवान पूछता है कि तुम्हें अच्छा नहीं लगा, तो दोही पूछती है कि क्या तुम्हें अच्छा लगा। ये पूछकर वो तो खुद ही एम्बेरस्ड हो जाती है, वही गुवान तो उसे कोई जवाब नहीं दे पाता, इसलिए वो थोड़ा टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि अभी तक बैटलर पार्क क्यों नहीं आया, क्योंकि आज तो तुम्हारे घर शिफ्ट होने का दिन है अपने सारे सामान के साथ। इससे पहले दोही कुछ और पूछती, वो कॉफ़ी ढूंढने के बहाने यहाँ से उठकर चला जाता है। उसके जाते ही दोही खुद भी काफ़ी एम्बेरस्ड होती है किस वाली बात को लेकर। वही इधर हम जूसिया को देखते हैं, जिसे न्यूज़पेपर कंपनी से सुनवल के पुराने फ़ोटोज़ और डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे, जहां एक फ़ोटो में उसे सुनवल फाउंडेशन के सारे फाउंडर का एक ग्रुप फोटो मिलता है, जिसमें एक आदमी उसे गुवान की शक्ल की दिखाई देती है। इसे देखकर तो वो हैरान रह जाता है। वही इधर हम बैटलर को देखते हैं, जो गुवान के सामान को लेकर आ रहा था, तो तभी उसके सामने मिस सिन आ जाती, कुछ खाने के सामान को लेकर। एक दूसरे को देखकर वो दोनों एटीट्यूड के साथ आमने सामने आते हैं। बटलर कहता है कि मैं तो एक न्यू मैरिड कपल के हाउस वार्मिंग पार्टी में जा रहा हूँ।
मिस सिन कहती है उनकी शादी रियल नहीं है, ना ही वो कोई हाउसवार्मिंग पार्टी है। बटलर कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, अपने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले लिया। मिस सिन उसके पास का सामान देखकर कहती है कि इतना सामान लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। इस पर बटलर कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये बोलकर एक चुटकी मारता है। तभी यहाँ गाड़ियों की लाइन आ जाती है जिन सब में गुआन का सामान भरा हुआ था, जो देखकर मिस सिन तो हैरान रह जाती है। पर इधर बैटलर तो सारा सामान ऊपर शिफ्ट कर देता है। गुआन के सामान से तो दोही का सारा घर भर जाता है, जो देखकर दोही भी शॉक्ड रह जाती है। तो गुआन से पूछती है कि इन सारे बॉक्सेस में क्या है। गुआन तो बड़े प्राउड से बताता है कि इन सब में मेरे कपड़े, डेली यूजेस के सामान और मेरी छोटी सी कलेक्शंस। मिस सिम इतने सारे बॉक्सेस को देखकर पूछती है कि ये छोटी सी कलेक्शंस है। गुआन कहता है हाँ। जो सुन दोही कहती है कि तुम अपने पूरे सुनल फाउंडेशन को मेरे घर में शिफ्ट करने का सोचा है क्या। गुआन कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं और सुनल फाउंडेशन थोड़ी ना अलग है। तभी बटलर और कुछ सामान उठाकर ले आता है, ये रखने का जगह नहीं होता। तो गुआन से पूछता है कि इन्हें कहाँ पर रखूं। गुआन कहता है कि वो सारे तो मेरे सबसे स्पेशल खजाने हैं, तो उन्हें तुम दोही के रूम में जाकर रख दो। जो सुनते ही दोही तो चिल्लाकर उसे ये सब कुछ रखने के लिए कहती है। गुआन पूछता है कि क्या हुआ, तो दोही थोड़ी शांत होकर उससे कहती है कि क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। गुआन और बटलर दोनों ही पीछे आते हैं, तो दोही उसे अपने रूम के अंदर खींच लेता है और दरवाज़ा बंद कर देती है, जहाँ वो उसे थोड़ा डांटते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर अकेले नहीं रहने वाले, क्या तुम भूल गए कि मैं भी यहाँ पर रहती हूँ। गुआन पूछता है हाँ, तो दोही उसे अपनी सारी अननेसेसरी चीज़ों को निकालने के लिए, सारी ही तो मेरी नेसेसरी चीज़ें हैं, इसीलिए सब कुछ यहीं पर ही रहेगा। दोही कहती है मैंने कहा ना सब कुछ यहाँ से निकालो। गुआन भी अपनी जिद पर अड़ जाता है, यहाँ से कुछ भी नहीं जाएगा। दोही कहती है इतना सारा सामान की वजह से घर पे हमारे रहने की जगह तक नहीं है। गुआन कहता है इसमें मेरी क्या गलती है, तुम्हारा घर ही जब इतना छोटा है। दोही कहती है कि मेरा घर छोटा नहीं है, बल्कि तुम्हारा सामान बहुत है। तो गुआन कहता है कि ये कोई नॉर्मल सामान नहीं, हर एक चीज़ मेरे टेस्ट को, मेरी हिस्ट्री को खुद रिप्रेजेंट करती है। यूँ समझ लो हर एक चीज़ अपने आप में गुआन है। जो सुन दोही कहती है फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, उसके सारे सामान के साथ घर के बाहर निकाल देता है और कहती है कि अब जाओ आराम से रहना अपने सारे गुआंस के साथ। ये बोलकर वो दरवाज़ा बंद कर देती है। तो तब गुआन कहता है कि एटलीस्ट मेरा कॉफ़ी तो दे दो, तो दोही उसे उसकी कॉफ़ी पकड़ा देता है। तभी बैटलर और उसके सारे वर्कर्स जो पीछे छुपे हुए थे बाहर आ जाते हैं और गुआन के पास आकर कहते हैं कि नहीं मैं अब नहीं जाने वाला हूँ, मेरी भी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसे मुझे घर से निकाला, मैं ऐसे कैसे अंदर जा सकता हूँ। ये बोलकर वो भी बटलर के साथ नीचे चला जाता है और यही पर एपिसोड 7 का 5वां खत्म होता है।